अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम औरंगाबाद से अल अरेबियन टू हज उमरा टूर से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा टूर की रवानगी शुरू हो चुकी है। अभी आज का दिन जो है हमारे पास से सऊदी एयरलाइंस के लिए 100 लोग जा रहे हैं, जिसमें से 15 दिन का ग्रुप और एक 20 दिन का ग्रुप है। इंशाल्लाह मक्का मदीने के अंदर हमारी जो होटल है वो 300 मीटर पर है और मदीने के अंदर जो होटल है हमारी 250 मीटर पर है। शेख अब्दुल करीम की तरफ से बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से हम लोग औरंगाबाद शहर और मुंबई पुणे शहर के लिए और पूरे मराठवाड़ा रीजन के लिए हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट जिद्दा मक्का मदीना मुंबई टू जिद्दा है, जो कि सऊदी एयरलाइंस है, और वहाँ पे हमारी रिहाइश जो है 400 मीटर पे है मक्का में, और मदीना में भी हमारी रिहाइश तकरीबन उतनी ही है। हमारा खाना जो है बुफे में रहेगा, और जो है ज़ियारत दोनों तरह की ज़ियारत, लॉन्ड्री, ये पूरे इंतज़ाम के साथ है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, होटल्स है, होटल लग्जरियस होटल्स है, बिल्कुल हरम शरीफ से करीब है। हमारा छोटा भाई है अब्दुल करीम, हाजी अब्दुल करीम, ये 18 साल से करीब उमरा टूर का कर रहा है ये, और वो जो बोलता है वो पूरा करके देता है। होटल भी नज़दीक है, वहाँ हिंदुस्तानी खाने पूरे निज़ाम, और जाना आना भी एकदम सहूलत बख्श है। घर से मस्जिद से 400 मीटर और मदीने में 400 मीटर के दूरी पर मकाना थे, और हिंदुस्तानी तर्ज के खाने मिलते हैं, हर चीज़ की सहूलत मिलती है, और ज़्यारत भी पूरे जो बोलते हैं जिन्हें आज तक नहीं जो दिखाया वो ज़्यारत भाई हमारा कराता है ये, और ये पाबंदी से कम 18-19 साल से कर रहा है ये। अल्लाह के फज़ल से अब तक कोई इसकी शिकायत नहीं आई, ना आइंदा कभी आएंगी इंशाल्लाह। आप जो अलर्मेंट टूर को कैसे वो कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगा टूर का? अच्छा है। इससे पहले गए आप? दूसरी बार है। मेरे बच्चे फैमिली के साथ है, इनकी सुविधाएं कैसी रहती है? अच्छी अलहमदी बारी 11 फिट बाकी है।